जमीन धंस रही है, पहाड़ खिसक रहा है, दीवारें धड़क रही हैं। उत्तराखंड एक बार फिर से बड़ा खतरा मंडरा रहा है उस पर। इस बार जो खतरा है वो काफी बड़ा है, उसकी आहट भी सुनाई दे रही है। अभी तक 3,000 लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन यह खतरा इससे भी बड़ा बताया जा रहा है। इसकी जद में 30,000 लोग हैं। यह खतरा इतना बड़ा है कि इसका असर बद्रीनाथ की यात्रा पर भी पड़ सकता है, क्योंकि यह खतरा जिस मुहाने पर खड़ा है वो बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उत्तराखंड पर यह खतरा अचानक क्यों मंडराने लगा? क्या इस खतरे की आहट पहले से थी, या फिर अचानक देवभूमि के लोगों के सामने आ गया है यह संकट? क्या है पूरी खबर? कैसा खतरा है? खतरे की वजह क्या है? पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में है। जोशीमठ, जो बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है, उसके धसने का खतरा मंडरा रहा है। मकानों की दीवारों में दरार पड़ने लगी है। घर की फर्श के बीच से दो फाड़ हो गई है। घर के अंदर पानी का रिसाव हो रहा है। सड़क फटने लगी है। कई मकान 2-3 फीट तक जमीन के अंदर धस गए हैं। दुकानें और होटल की दीवारें भी दरकने लगी हैं। जहां जहां से पानी निकल रहा है वहां सीवर से कोई लीकेज नहीं है। समय पर हम जोशीमठ के मनोहर बाग के निचले इलाके पर है, और यहाँ पर जो आपको तस्वीरें दिख रही है गुरु साहब की, इस तरह से देख सकते हैं मकानों को बल्लियों के सहारे रोका गया है। मकानों पर बल्लियां लगाई गई है, बल्लियों से मकानों को रोका गया है, और आगे की तरफ की दरारें जो आपको दिख रही है, ये पूरी दरारें मकानों से आगे चलते हुए पूरी मकान को फाड़ते हुए मकान के दूसरे कोने में निकल रही है, और उस कोने को थामने के लिए भी ये पूरी बल्लियां एक तरह से लगाई गई है, ताकि कुछ समय तक मकान को रोका जा सके। और ये सब करा था यहाँ के लोगों ने कुछ टाइम अपने को पाने के लिए, ताकि वो अपना मकान बचा सके, अपने सामान को बचा सके, और इतनी देर में अपने सामान को निकाल के बाहर कर सके। ये पूरे ही मकान पे आपके लगे हैं, ये पूरी दीवार आप इधर देखेंगे तो ये पूरी दीवार अलग हो चुकी है। लगभग 4 से 5 इंच इसने दीवार को एक दूसरे से अलग हो गई है, पूरी मकान पे बड़ी बड़ी दरारें। जमीन के नीचे से पानी की धारा निकल रही है। लोग अपने घरों से पलायन को मजबूर है। जोशीमठ में पिछले एक साल में 500 से ज्यादा घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे इन घरों में रहने वाले करीब 3,000 लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई है। जमीन धसने से जेपी कंपनी के मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। 35 मकानों को खाली करा लिया गया है। यहाँ पानी का जलस्तर दोगुना हो गया है। 6 से 7 जगहों पर जमीन के अंदर से पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन जोशीमठ में रहने वाले लोग घरों से बाहर जिंदगी बिता रहे हैं, रात भर अलाव का सहारा ले रहे हैं। वजह है घर में पड़ी दरारें, जिससे ये लोग घर के बाहर ही रह रहे हैं, क्योंकि जोशीमठ में इस वक्त खतरा बड़ा है। दो 3 बजे का टाइम है, हम सारे मोहल्ले के लोग रोड में आ गए। शासन प्रशासन को हमारी
सुध लेने की कोई महसूस नहीं किया जा रहा। जोशीमठ की आबादी करीब 25 से 30 हजार के करीब है। जमीन धसने की वजह से इलाके के लोग गुस्से में हैं। नाराज लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर प्रोटेस्ट किया। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। जोशीमठ पर दिन ब दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना के खिलाफ लोगों ने रात में मशाल जुलूस निकाला। प्रशासन के साथ साथ सरकार के खिलाफ भी लोगों ने हल्ला बोला। बताया जा रहा है कि पिछले एक साल से घरों की दीवारों में दरार पड़ रही है, जिसकी शिकायत बार बार इलाके के लोगों ने प्रशासन से की थी। एक दल सरकार की तरफ से वहां पर जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ में एक्सपर्ट्स की टीम भेजने की बात कर रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि वो खुद जोशीमठ जाकर हालात का निरीक्षण करेंगे। उसको लेकर हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी दो दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं उन सबसे रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी जरूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही एक दल सरकार की तरफ से वहां पर जाएगा और मैं भी स्वयं वहां जाऊंगा। जोशीमठ में रहने वाले लोगों के सामने ये समस्या आखिर कैसे खड़ी हो गई है कि उन्हें अब अपना ही घर छोड़ना पड़ रहा है। अभी तो ये परेशानी जोशीमठ के 9 वार्ड तक दिखाई दे रही है, जिसकी चपेट में 3,000 लोग हैं। लेकिन ये खतरा केवल जोशीमठ के 9 वार्ड तक नहीं है, बल्कि इसके दंश में पूरा जोशीमठ है, जिसकी आबादी करीब 30,000 है। अब जोशीमठ की हालत ऐसी क्यों है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जोशीमठ में पहाड़ों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से अनियोजित विकास हो रहा है। पर्यटकों की सुविधाओं के लिए यहाँ तेजी से व्यवसायिक निर्माण हो रहे हैं। यहाँ कई ऐसे होटल हैं जो 5 से 7 मंजिला तक बनाए गए हैं। खास बात यह है कि 5 साल पहले चेतावनी मिलने के बावजूद सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। अभी हमें जोशीमठ के निचले ही इलाके पर थाने के बगल से जो राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ के लिए जाता है उस पर उसके पास हम खड़े हैं और इसी राजमार्ग से लगते हुए 2 होटल्स हैं जो मेरे पीछे हैं और पिछले कई दिनों से ये होटल धीरे धीरे करके एक दूसरे के पास आए हैं और अभी के समय पर ये दोनों होटल्स एक दूसरे पर बिल्कुल जुड़ चुके हैं और इन दोनों होटल्स की नींव इतनी खोखली हो चुकी है कि ये किसी भी दिन भरभरा कर गिर सकते हैं और इन होटल्स के नीचे जो निवास करते हैं लोग वो लोग अब यहाँ से जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये सामने खड़ा ट्रक उसमें भरता हुआ सामान बता रहा है कि यहाँ जो परिवार था ये भी अब निकलने के लिए तैयार है। ये कुछ लोग अपनी व्यवस्था पर जा रहे हैं और कुछ लोग जो सरकारी जो अभी व्यवस्था हुई है वहाँ पर अभी गए हुए हैं। ये सारी तस्वीरें दिखाती है कि इस आपदा की भयावहता कितनी है। जोशीमठ का इलाका समुद्र तल से करीब 6,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये इलाके सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील होता है। ऐसे में यहां हो रहे विकास के कार्य में भी इलाके के लोगों को विनाश की आहट सुनाई दे रही है। जोशीमठ के इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि यहां जो तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की टनल बन रही है उसकी वजह से आज जोशीमठ का हाल ऐसा है। यहाँ पर कभी इस तरह का पानी आ सकता नहीं था, ना इस तरह का पानी आ पाता।
लगातार 24 घंटा बहुत तेजी से गाड़ वाला पानी लगभग मठमैला पानी लगातार 48 घंटों से बह रहा है। इसका सोर्स एक ही जगह नहीं है, जगह जगह दीवारों से जगह जगह से मठमैला पानी निकल रहा है। पूरा जेपी कैम जो कि हमारे जोशीमठ के जड़ में बसा हुआ है, जोशीमठ की तलहटी में बसा हुआ है। निसंदेह रूप से इस तरह का पानी आना लोगों को बहुत ही खतरा पैदा हो गया। लोगों में आशंका है कि ये जो पानी आ रहा है एनटीपीसी का टनल गुजर रही है। मेरी उनसे बात हुई, उनके एजीएम से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि हमारे टनल लगभग जोशीमठ के मार्केट से 1.5 किलोमीटर पीछे है, 100 किलोमीटर नीचे है। अगर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप कहेंगे तो लगभग लेवल आज श्रीलंका जिनका जहाँ से आउटफॉल है लगभग लेवल यही लेवल हमें लगता है कि लेवल है। और ये पानी उन्हीं के टनल का ही से ही यहाँ पर लीकेज हो रहा है। इस पानी से लगभग जीपी कंपनी के 70-80 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अभी देख रहा आप इनका यहाँ पर मैस है, यहाँ पर हजारों लोग खाना खाते थे, उन्होंने मैस शिफ्ट कर दिया है। यहाँ के जो इनके कर्मचारी थे लामगढ़ उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, लगातार शिफ्ट करने लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी पूरी जमीन के अंदर ये मकान धस गए हैं, पूरे कमरे धस गए हैं। तपोवन विष्णु घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 520 मेगावाट का है, इस परियोजना को इलाके के लिए अभिशाप मान रहे हैं। इसका काम 2005 में शुरू हुआ था। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एक निर्माणाधीन सुरंग है जिसका काम 2011 में शुरू हुआ था। ये टनल जोशीमठ शहर के नीचे से गुजरेगी। टनल की कुल लंबाई करीब 17 किलोमीटर है। टनल का काम अभी चल रहा है। अभी तक इसका 70% काम पूरा हुआ है। इलाके के लोगों का कहना है कि जो मठमैला पानी निकल रहा है वो टनल निर्माण की वजह से निकल रहा है। हमारे घरों में भी बहुत दरारें आ चुकी है। पहले ये दरारें खेतों में आई थी और अब घरों में भी बहुत ज्यादा ही दरारें आ रही है, जिसमें यहाँ रहने में भी अब डर लगने बैठ गया है। रात को नींद भी नहीं आती है और सोचते है कि कब घर गिर ना जाए। इन सब का जो ये दोषी है ये एनटीपीसी है, जिसके टनल के कारण यहाँ सबके घरों में दरारें हैं और हमारे घरों में भी बहुत मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं। मेरे घर पे भी स्वयं दरार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमें अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पूरे क्षेत्र में जिस हिसाब से दरार पड़ रही है उसको देख के पूरा जोशीमठ क्षेत्र अब एक प्रभावित क्षेत्र होने वाला है। हर घर में दरार पड़ चुकी है और इसकी पूरी जिम्मेदारी हम तो ये मानते हैं कि जो ये एनटीपीसी की टनल बनाई जा रही है उसके पानी के रिसाव की वजह से ही पूरे क्षेत्र में भूदशाव की स्थितियां उत्पन्न हो गई है। 2013 में हेलंग गांव में पानी का रिसाव शुरू हुआ था। इलाके के लोग बताते हैं कि वो आज भी निकल रहा है, इसकी वजह टनल ही है। 7 फरवरी 2021 में इसी टनल में तपोवन के पास पानी घुस गया था, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जोशीमठ में 2015 में दरार देखी गई थी, इसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ती गई। 2019 से लोग लगातार कह रहे हैं कि जमीन धस रही है। अभी लगभग 600 घरों में दरार आ गई है। पिछले 20 दिनों से हालात ज्यादा खराब है। पानी का रिसाव पिछले एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। अब सवाल यही है कि जब पर्यावरणविद से लेकर हर एजेंसियां बार बार एक ही बात कह रही हैं, जोशीमठ पहले से संवेदनशील इलाका है, तो फिर 2005 में यहां एनटीपीसी ने कैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया और मंजूरी कैसे मिली? फरवरी 2005 में पर्यावरण विभाग, वन विभाग और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलता है, जिसके बाद एनटीपीसी ने जोशीमठ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू किया और अब इलाके के लोग इस प्रोजेक्ट को खुद के लिए मुसीबत बता रहे हैं। 2003 से हम एनटीपीसी के टनल का विरोध कर रहे थे। 2009-10 में भी हमने 89 डेज का धरना दिया था कि भाई ये जोशीमठ के लिए बहुत खतरे का है, या तो हमको भी इसमें रखा जाए और हमारे घर मकानों का बीमा किया जाए। उस समय केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री के मध्यस्थता में हमारा समझौता हुआ था कि पानी की हमारी समस्या का समाधान हुआ था। हमारी 9 सूत्र मांगे थी, उसमें एक मांग ये भी थी कि हमें बीमा दिया जाए। तो उस समय तत्कालीन ये हुआ था कि अभी जोशीमठ प्रभावित है, भविष्य में इसमें देखा जाए करके वार्ता की। आज हम उस मुहाने पे पहुंच चुके हैं और निसंदेह हम लोगों के घर टूटते जा रहे हैं। हर दिन नई दरारें बढ़ती जा रही हैं, खेत खलिहान टूटते जा रहे हैं। जोशीमठ पर जो ये खतरा मंडरा रहा है इसकी दस्तक सालों पहले सुनाई दी थी, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। जानकारों के मुताबिक उत्तराखंड का जोशीमठ तब से धस रहा है जब से ये यूपी का हिस्सा हुआ करता था। उस समय गढ़वाल के आयुक्त रहे एमसी मिश्रा की अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय समिति गठित की गई थी।
इसे ही मिश्रा समिति नाम दिया गया था, जिसने इस बात की पुष्टि की थी कि जोशीमठ धीरे धीरे धस रहा है। समिति ने भूस्खलन और भू धसाव वाले क्षेत्रों को ठीक कराकर वहां पौधे लगाने की सलाह दी थी। इस समिति में सेना, आईटीपी समेत बीकेटीसी और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल थे। 1976 में 3 मई को इस संबंध में बैठक भी हुई थी, जिसमें इलाके में सड़क की मरम्मत और अन्य निर्माण कामों के लिए पहाड़ी को खोदकर या विस्फोट करके पत्थरों को न हटाने की बात कही गई थी। लेकिन 50 साल तक सरकारें सोती रही और अब हालात खराब हो रहे हैं। जानकारों का भी यही मानना है कि टनल बड़ी वजह हो सकती है। उन दरारों से जो पानी निकलने लग गया, वो पानी मटमैला पानी, वही पानी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उस दरार का पानी है, वो उस टनल का पानी आ रहा है। अब ये तो उसको ट्रेसर्स होते हैं कुछ, जो उसके उसमें जो मार्कर जो एलिमेंट्स होंगे उनके माध्यम से देख सकते हैं हम कि ये नदी का पानी है कि लोकल पानी बारिश का, वो अलग है स्टडी। उस पानी के सैंपल और धौली गंगा के पानी के सैंपल लेके तब बता सकते हैं आपकी भैया इनमें कितनी सिमिलरिटी। लेकिन अभी जो मेरे को लगता है, जो लोग वहाँ बोल रहे थे कि इस दरार का असर है, क्योंकि उसके बाद ही होने लग गया था, 7 फरवरी के बाद ही वहाँ दरारें पड़ने लग गई थी, तो हो सकता है कि इसका बड़ा रोल हो इसमें। जमीन से पानी निकलने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पानी ऐसे निकल रहा है मानो यहाँ भारी बारिश हुई हो। मारवाड़ी इलाके में करीब 7 जगहों पर जमीन से पानी निकलने की घटना सामने आई है। खास बात यह है कि जमीन से निकलने वाला पानी नॉर्मल नहीं है, बल्कि इसमें से मिट्टी वाला पानी निकल रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं जानकारों का कहना है कि अब पहली प्राथमिकता लोगों का रेस्क्यू होना चाहिए, उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने पर सरकार फोकस करे, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। उसका मेजर पोर्शन कोलैप्स कर रहा है और कोई भी रेमेडी, कोई भी ट्रीटमेंट अब उसको रोकने के लिए केवल पैसा खर्च करेगा, वो उल्टा पैसा खर्च होगा। अभी फिलहाल लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाए, बाद में जब ये वाला फ्लो, ये वाला मटेरियल जब खिसक जाए, जो वाला रास्ते लगा हुआ है, तब जाके देखा जा सकता है वहाँ की जियो इंजीनियरिंग मेजर्स क्या हो सकते हैं कि जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको बचाया जाए। लेकिन अभी कुछ नहीं बचाया जा सकता, ना उस तरफ देखना चाहिए। जिस समय आग लगी हो उस समय सबसे बढ़िया तरीका पानी होता बुझाने का। अब उसके कारणों पे नहीं जाएंगे कि किधर से पानी आग आई और किधर से क्या हुआ, ये नहीं देखना। इस समय केवल ये देखना है कि आग बुझानी है। इस समय लोगों को बचाना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक रात में आप दूसरे दिन सुबह सुनोगे कि वो सबके सब दब गए, ऐसी स्थिति आ रखी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।